चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मिनिस्टर एनर्जी इम्तियाज़ शेख साहब, SECMC के चीफ एग्जीक्यूटिव अबुल फजल रिजवी साहब यहाँ स्टेज पे बैठे हुए, कौमी सूबाई असम्बली के मेम्बरान मेरे सामने बैठे हुए, सेनेटर साहब, कौमी सूबाई असम्बली के मेम्बरान, डिप्टी काउंसिल चेयरमैन साहब, और जैसे रिजवी साहब ने कहा कि आज के मेहमान खुसूसी न्यू सेनरी दर्स विलेज के इस गांव के रहने वाले मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम, नमस्ते। बड़ी खुशी का मौका है, जैसे रिजवी साहब ने कहा ये ख्वाब था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था 94 में जब वो इधर आई थी, उस वक्त की भी तकरीर उठा के देखें तो उन्होंने ही कहा था कि ये कोयला जो निकलेगा यहाँ से, उस वक्त तो दरियाफ्त हुआ था नया नया, इसके असल मालिक यहाँ के लोग हैं, और उनका ये ख्वाब और उनकी ये हिदायत आज सिंध हुकूमत को खुशी है कि हम इसको पूरा कर सके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में। हिस्टोरिकल डे है। मैं अभी चेयरमैन साहब को बता रहा था कि अभी तक सिंध हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट से एक रुपया भी हमारी किटी में नहीं आया है, लेकिन जो असल हकदार हैं उनको इंशाल्लाह ताला आज अपनी पहली किस्त मिल जाएगी, और ये प्रोजेक्ट की लाइफ के लिए जो इन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और जैसे बताया गया, अभी मैं हम थोड़ी देर पहले ब्लॉक वन में भी एक छोटी सी तकरीब से होके आ रहे हैं, और उधर भी हमने यही कहा है कि ब्लॉक टू में जो रीसेटलमेंट पॉलिसी है, जो यहाँ के लोकल्स को या ख़ास तौर पे वो लोग जो अफेक्टेड हैं, ब्लॉक के लोग हैं, उनको शराकत दारी दी गई है, हम इंशाल्लाह ताला ये इंश्योर करेंगे कि थर के सब ब्लॉक्स में, और मैंने ये भी बताया था यहाँ तो हुकूमत सिंध शेयर होल्डर थी, हिस्सेदार थी, वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम थर फाउंडेशन के अम्ब्रेला के तहत ये इंश्योर करेंगे कि हर जगह पे लोगों को, जैसे कहा कि और बेहतर हम कंपनसेट करें, इसलिए कि ये असल में आप ही की वजह से है कि हमने ये नारा लगाया है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। और जैसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि आज हकीकी पाकिस्तान जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन्विजन किया था, और जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा से कहते थे कि जी इस धरती के मालिक इधर के लोग हैं, वो हम पूरा कर सकें। चेयरमैन साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात, मुझे पता है इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे मुल्क में है, आप कितने मसरूफ़ हैं, और उसके दौरान आपने ये वक्त निकाला और हमें इस छोटे से इवेंट में, जो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जैसे रिजवी साहब ने कहा कि अभी तक जो इवेंट्स थर में हुए हैं उनमें ये सबसे बड़ा और सबसे अहम इवेंट है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।